चार्ट बनाने के लिए जो टूल है एमएक्स में, वो ये चार टूल है, ये रहा। इसे सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाएं और ये आपको एक शीट दिखाई दे रही है, इसमें आप तमाम वैल्यूज लिख सकते हैं जिसमें आपने चार्ट बनाना है। ये चंद एक वैल्यू लिखते हैं, ऐसे उल्टे सीधे वैल्यू लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये हमारे पास एक चार्ट बन गया, इसे डिलीट करते हैं। अब की बार वैल्यू लिखने के बजाय इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट चार्ट के फोल्डर के अंदर में ये सबसे ऊपर कर गया, ये रहा चार्ट डेटा है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू इंपोर्ट कर ली। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं, ये देखें हमारे पास एक चार्ट बन गया। चूंकि ये ब्लैक एंड वाइट है आप इसमें कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और इसमें और भी तरह के चार्ट हैं हमारे पास, कलर और एग्जाम दोनों काफ़ी हैं। ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट में देख लें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की पोजीशन को वो जाहिर कर रहा है कलर, स्टैंडर्ड की बजाय इन चार्ट में देख लेते हैं क्या है। जहर कलर के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ, अब की बार दोबारा अपना पुराना चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा कलर करके देखते हैं, आप सेलेक्ट कर लें, याद रखें कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाइट एरो से सेलेक्ट करें। अब इसमें कलर के लिए हम तस्वीर भी डाल सकते हैं, किसी पिक्चर को कॉपी करें, एक्स्ट्रा की मेन्यू में जाकर आप चीज़ पहले बार सेलेक्ट करें जिसमें आपने तस्वीर डालनी है, एक्स्ट्रा की मेन्यू में चार्ट के अंदर पिक्टोग्राफ इसके अंदर पेस्ट इन कर दें, और ओके करने पर जो चीज़ें आपके पास सेलेक्ट हैं जो बार उनमें वो तस्वीर आ जाएगी। ये ओके किया हुआ, देखें जो बार मैंने सेलेक्ट की हुई थी एक को छोड़ के बाकी सब ग्रीन के अंदर तस्वीरें आ गई। एक और पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं, एक पिक्चर इंपोर्ट की। अब इसको जिस बार में आपने डालना हो सेलेक्ट कर लें, और वो पिक्चर कॉपी हुई होनी चाहिए, उसको मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था चार्ट के अंदर पिक्टोग्राफ और उसके अंदर पेस्ट इन किया। ये पेस्ट इन करने पर इसके अंदर आ गया, ये देखिए तमाम के तमाम जो बार सेलेक्ट थी उसमें ये पिक्चर आ गई है।